सारे सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्रिगन पैन का। आज हम फिर से खेल रहे हैं एसिड ब्लॉक मैन। आई थिंक सो ये हमारा फिफ्थ एपिसोड है या सिक्स्थ एपिसोड है आई थिंक सो। हाँ, अगर गलत हुआ तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा कौन सा एपिसोड है। तो आज जो है मुझे कुछ ऐसी चीज़ पता लगी है जो आई थिंक सो आप एसिड ब्लॉक खेलते हो तो आपको भी जो है ये यूज़ आने वाली है चीज़, ठीक है। तो वो चीज़ मैं बताने वाला हूँ, तो उसको बताने के लिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो लेट्स प्रीटी मच बिगिन टू आवर वीडियो गाइस। ओके, तो गाइस सबसे पहले जो है यहाँ पे देखो, मैंने बहुत सारी बीज को जो है ब्रीड करवाया, लाइक टोटल जो है अभी 9 बीज हो चुकी है, 9 या 10 बीज हो चुके हैं। एंड ये अच्छा खासा जो है अभी ये प्रोड्यूस कर रही है, पर मुझे जो है इनका एक अलग से चेंबर बनाना पड़ेगा क्योंकि ये बाहर बहुत घूमती हैं। तो अगर मैं लूँ, एक में भी नहीं है, ठीक है। ओके, स्लाइम भी आ गया, ठीक है। पहले मैं स्लाइम को मार देता हूँ 2 मीटर को। ओके, तो ये तो हो गया। एंड मुझे जो है गाइज एक और चीज़ बतानी थी जो है लेदर ट्यूनिक के बारे में, जो मेरे को अभी कल ही पता लगी है। सो देखो, लेदर ट्यूनिक के ना एक मोल्ड नहीं बनाया उस बंदे ने, उसने कमांड्स लिखे हैं। अगर मेरे चंक्स यहीं कहीं पे, मैं कल चंक्स के साथ खेल रहा था तो मुझे आसमान में जो है वो दिख गया, उसके कमांड ब्लॉक दिख गए। तो देन मैं क्रिएटिव में गया था टेस्ट के लिए कि वो कमांड क्या लिखे हैं। अब देखो, मैं इतना प्रो नहीं हूँ कमांड में तो मुझे ज़्यादा कुछ समझा नहीं, पर उसने लेदर ट्यूनिक पे कुछ तो ऐड किया था। एंड देखो, अगर आप प्योर कमांड यूज़ नहीं करते हो तो अगर वो देखो जैसे कि उसने प्योर कमांड्स यूज़ किए हैं ना कि मोड्स यूज़ किए हैं, तो यहाँ पे लेदर ट्यूनिक जो है थोड़ी सी डैमेज हो चुकी है। तो अगर आप डैमेज लेदर ट्यूनिक को पहन के पानी में जाते हो तो गाइस आपको डैमेज मिलेगा। अगर आप प्योर नई लेदर ट्यूनिक पहन के जाओगे तो आपको डैमेज नहीं मिलेगा, ठीक है। आई थिंक सो उसको भी थोड़ा सा उस कमांड्स के बारे में अच्छे से पता नहीं होगा, तो उसने ऐसे ही जो है ऐड कर दिया। लाइक मुझे यार उसको अच्छे से ना मोड बनाना चाहिए था, ना कि कमांड्स लिखने चाहिए थे। अब देखो आसमान में उस प्लेन के कुछ इस साइड पे ही है। अब मैं चंक्स पूरा हाई नहीं कर सकता वापस से, नहीं तो लैग करेगा मेरा। तो पर मैंने कल किया था तो वहाँ पे मुझे कमांड दिखे थे, ठीक है। तो बस ये बताना था कि जब भी आप पानी में जाओ तो फुल रिपेयर लेदर ट्यूनिक को पहन के जाओ, ना कि जो है टूटी फूटी लेदर ट्यूनिक, ठीक है। तो आज मैं पानी में एक्सप्लोरेशन करने वाला हूँ। एंड यहाँ पे वाटर ब्रीदिंग नाइट विजन वगैरह भी ले लेंगे, पर नाइट विजन की ज़रूरत नहीं है, मुझे नाइट विजन नेचुरली मिल रहा है मेरे रिसोर्स पैक से। सो वाटर ब्रीदिंग है मेरे पास। ओके, ये वाटर ब्रीदिंग के लिए कुछ नहीं है। एंड ये स्प्लैश पोशन ले लेते हैं। एंड ओके, एंड ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे दो हैं जो है 3 मिनट की एंड 6 मिनट की, ठीक है। ये अच्छा है, तो एक बार ये पहन लेते हैं। एंड मेरे पास कोई सामान नहीं है। ओके, बहुत सारा सामान है, मैं क्या कह रहा हूँ। तो इन सामानों को भी जो है मैं इधर डाल देता हूँ। एंड इसके बाद चलते हैं अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन के लिए। ओके, तो गाइस अब चलते हैं नीचे। तो यहाँ पर जो है मैं पहले जो है 6 मिनट का पीऊँ कि 3 मिनट का, चलो पहले एक बार तो टेस्ट कर लेते हैं कि लेदर ट्यूनिक वर्क कर रही है कि नहीं, क्योंकि मेरी ओके देखो वर्क कर रही है भाई, मैं एक बार पी लेता हूँ उसको। ओके, तो अब चलते हैं। स्विमिंग नहीं कर रहा गाइस ये देखो। ओके, ओ भाई तैर यार, ये फ्लैट हो रहा है, ठीक है मैं जा रहा हूँ नीचे। ओके, कुछ है यहाँ पे, मेरे को नीचे जान दो एक बारी। ओके गाइस, ये क्या हुआ था अभी मेरे को। ओके, यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं। ओके, यहाँ पे एक चेस्ट है। तो चेस्ट के अंदर, वाह, चेस्ट के अंदर कुछ ज़्यादा सामान नहीं है। यहाँ पे एक कॉन्ड्यूट है, वाह, हम कॉन्ड्यूट यूज़ कर सकते हैं वाटर ब्रीदिंग के लिए, वाह ये सही चीज़ है। तो चेस्ट को जो है थोड़ा सा बाद में लूँगा, कोरल वगैरह है जो मुझे नहीं चाहिए। एंड ये मेरा बंदा तहर नहीं पा रहा, पता नहीं क्यों तहर नहीं पा रहा है, ये बस फ्लोट कर रहा है। लाइक अगर मैं दिखाऊँ, ये देखो तहर नहीं रहा, तहरता है तो लेट जाता है, ये लेटा नहीं है, ठीक है। एंड और कुछ है यहाँ पे। ओके, यहाँ से कुछ है नीचे ना। एंड मेरा वाटर ब्रीदिंग अभी, ओके 2 मिनट का वाटर ब्रीदिंग। ओ शिट, ओके सच, इसने मुझे डैमेज दिया, तो मेरी लेदर ट्यूनिक डैमेज हुई। ओ शिट गाइस, मुझे इनसे बच के रहना पड़ेगा। तो मैं शार्पनेस वाली एक ले जाता हूँ। एंड एक नई लेदर ट्यूनिक है मेरे पास कि कहाँ गई मेरी लेदर ट्यूनिक। ओके, ये रही एक नई वाली लेदर ट्यूनिक। तो मतलब मॉब से बच के रहो, बेसिकली मॉब्स आपके जो है आर्मर को डैमेज करते हैं, पानी डैमेज नहीं करेगा पर मॉब्स आपके आर्मर को डैमेज करते हैं, ठीक है। तो मॉब से जो है अपना आर्मर बचा के रखो। मैं कौन साइड से गया था, उस साइड से गया था, ठीक है। वापस से चलते हैं नीचे। एंड इस बार जो है मैं उससे बच के रहूँगा। ओके, मेरे पास वाटर ब्रीदिंग नहीं है गाइस, मेरी सारी वाटर ब्रीदिंग तो नीचे ही है। ओ गाइस, ट्राइडेंट वाला भी है इधर। नहीं, मेरे को मेरा सामान मिल जाए एक बार। एंड इससे बच के रहना। ओ मेरा सांस गया। मेरी सांस गई। प्लीज़
मुझे मेरे सिल्वेनस क्वेश्चन। ओके 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 ओ गाइज मैं बहुत ओ भाई मैं बच गया फाइनली। ओ भाई स्प्लैश पोशन ने बचा लिया मुझे। ओ व्हाट द हेक। ओके एंड यहाँ पे और कुछ एक्सप्लोर करने के लिए नहीं है। एंड अब देखो मैं तैर पा रहा हूँ, ये देखो अब मैं तैर पा रहा हूँ ठीक है। तो अब जो है हम चलते हैं कहाँ पे जाएं। ओ शिट ये क्या हुआ, डैमेज क्यों मिल रहा है भाई, बेफालतू डैमेज क्यों मिल रहा है, ये डैमेज क्यों मिल रहा है, डैमेज क्यों मिल रहा है। ओके आई थिंक सो मैं वाटर लॉग्स के अंदर आ रहा हूँ ना। ओके भाई कौन डैमेज। ओके नहीं ये मेरे को आई थिंक सो कमांड में कुछ गड़बड़ लग रही है, उस बंदे ने अच्छे से कमांडिंग की नहीं है, लैग भी कर रहा है मेरा बहुत। तो एक बार सरफेस पे चलते हैं। तो सरफेस पे ओ सरफेस पे जाने के लिए भी जो है आपको तो, ओके यहाँ पे एक और चीज़ है जो हम डिस्कवर कर सकते हैं, तो आओ इसी पे चलते हैं पहले ठीक है। मेरा अभी वाटर ब्रीदिंग तो होगा काफ़ी देर तक के लिए होगा, तो इधर चलते। ओ यार वहाँ पे ड्राउंड है, एक ट्राइडेंट वाला है क्या वो, नहीं नहीं वो ट्राइडेंट वाला नहीं है, तो मैं खिसक लेता हूँ साइड से। लैग कर रहा है काफ़ी ज़्यादा भाई, पानी में काफ़ी लैग। ओ शिट ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई। ओके भाई सारी चीज़ें रिस्पॉन नहीं हुई, मेरे पिसमरीन के ब्लॉक सॉरी पिसमरीन शार्ड एंड मेरी दो लेदर ट्यूनिक रिस्पॉन हुई हैं एंड कॉन्डविट बच गया। मेन है कि भाई कॉन्डविट बच गया, इसको मैं संभाल के जो है इधर डाल देता हूँ क्योंकि ये सबसे मेन चीज़ है। एंड हमारे पास थोड़ी बहुत कैलरी भी आ गई है जिसकी ज़रूरत थी नहीं पर ठीक है आ गई है। एंड यहाँ से मैंने चीज़ उठा लिया था, इसको भी रख देता हूँ एक बार। तो देखो आप मेन है ब्लेज रोड एंड ब्लेज रोड के लिए मुझे चाहिए नेदर जाना है पड़ेगा, लाइक नेदर के पोर्टल वो देख रहे हो एंड मुझे थोड़े बहुत और चाहिए। तो नेदर के सॉरी ऑब्सीडियन बनाने के लिए हमको क्या चाहिए रहता है, लेट्स चेक ऑब्सीडियन कहाँ मिलता है, इधर मिलता है इधर। एंड ऑब्सीडियन ये रहा, एंड ऑब्सीडियन के लिए ऑब्सीडियन शार्ड्स चाहिए। वाओ ओके तो लावा देख लेते हैं, लावा कैसे बना सकते हैं। लावा लव 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 लावा बनता है मैग्मा क्यूब से। वाओ मैग्मा ब्लॉक्स लाइक ओके एंड मैग्मा ब्लॉक किस चीज़ से बनते हैं मुझे वो चेक करने दो एक बार। मैग्मा ब्लॉक के लिए हमको मैग्मा क्रीम चाहिए एंड मैग्मा क्रीम के लिए हमको ब्लेज रोड चाहिए होता है एंड ब्लेज रोड हमको, अरे हाँ गाइस शुगर केन से ब्लेज रोड बन सकता है शायद, रुको शुगर केन है मेरे पास, शुगर केन शुगर केन, अरे मेरे पास शुगर केन नहीं है क्या, अबे अब ये कैसे आ पाया, मेरे पास शुगर केन कैसे नहीं है। अगर मैं स्लाइम्स को फर्नीचर में डालूं तो उससे चेक करते हैं क्या निकलता है, लेकिन मुझे कुछ तो पता है भाई कुछ तो होता है। ओके स्लाइम से नहीं बैम्बू से कुछ होता है यार, मुझे कुछ तो पता है यार, मैं स्लाइम से कुछ नहीं होता, हमें बैम्बू या शुगर केन कुछ चाहिए, उसका फिर हम कंप्रेस बना सकते हैं एंड उससे हम कुछ कर सकते हैं। ओके मेरे पास प्रिस्मरीन शार्ड ये भी हैं थोड़े बहुत, तो ये भी ठीक है, पर मेरे पास बैम्बूज नहीं है बिल्कुल भी एंड मेरे पास ना ही शुगर केन है ठीक है। तो हम शुगर केन को किसी तरीके से बना सकते हैं क्या, नॉर्मली जो क्लैरिक देता है वही है। अब मैं बैम्बूज एंड शुगर केन कहाँ से लेके आऊँ मुझे ये नहीं पता, कहाँ से मिलता होगा बैम्बू एंड शुगर केन। ओके तो गाइस यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि हम बैम्बूज एंड शुगर केन को कहाँ से ले, क्योंकि अब मैं वाटर ब्रीदिंग का पोशन नहीं बना पा रहा हूँ बिल्कुल भी। सो बैम्बूज एंड शुगर केन है मेन प्रॉब्लम हमारे। तो अगर आपके पास कोई भी आइडिया है कि बैम्बूज एंड शुगर केन कहाँ से ऑब्टेन किया जाए तो जरूर से कमेंट कर देना। चलो फिर यार मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा पीस आउट।